हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज है दिन मंगलवार और डेट है 21 तारीख। तो चाय भी बन रहा है। कॉल रहा है चाय अभी। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। कोरोना काल में तो सुरक्षित बचना ही है, इसलिए कभी कोरोना जाने वाला नहीं जाने वाला है, तो सुरक्षित रहना हमको जरूरी है। हाँ, अभी चाय बन रहा है, चाय पियेंगे, उसके बाद नहा के पूजा पाठ करेंगे और देखिए आज दिन भर क्या क्या करते हैं। करी पत्ता लाने गए पोहा बनाने। पोहा और सोचे थे कि सूजी का हलवा बनाएंगे, लेकिन सूजी का हलवा नहीं, सिंघाड़ा का आटा लाया जन्माष्टमी में रखा हुआ था। तो सोचे कि जब सिंघाड़ा का आटा रखा हुआ है तो उसी को बना के खत्म कर लेते हैं पहले। तो सिंघाड़ा का आटा का हलवा बनाते हैं। आटा को पहले छान लिए क्योंकि डर लग रहा था कि कहीं कुछ कीड़ा वीड़ा तो नहीं हो गया, लेकिन कीड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा थक्का जैसा हो गया था, मतलब अगर नहीं बनाते तो खराब हो जाता। तो छान लिए, उसके बाद ऊपर में सूट करना ही भूल गया, घी एक चम्मच डाल के उसको ब्राउन होने तक भून लिए। यहाँ सामने खिड़की से रोशनी ना इतना आ रहा था कि फिर जो भुने हैं ब्राउन होने तक उसको फिर हटाना पड़ा कि कुछ दिख ही नहीं रहा था, लाइट मार दिया है। यहाँ पे यहाँ पानी डाल दिया और इसमें इसी चम्मच से दो चम्मच चीनी, क्योंकि इसको मीठा थोड़ा ज़्यादा बनाना रहता है और आप जब नहीं किसी चीज़ को जानते हैं तो बहुत कठिन लगता है, और जब जान लीजिए तो आसान लगता है। तो नहीं आदमी कब जानता है, जब बचपन का रहता है बात तभी का बात बता रहे हैं, तो उसमें लगता था कि पता नहीं कैसे बनता है कैसे बनता है, लेकिन अब बनाने लगे। हालांकि माँ बताई थी कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करके भुनना रहता है और क्या, थोड़ा घी ज़्यादा डाल के बनता है, लेकिन उस समय बहुत हम लोगों को हार्ड लगता था कि बहुत कठिन है, लेकिन अब बनाते बनाते सीख लिया लोग तो अब आसान हो गया। वही चीज है, आप जब तक नहीं जानते हैं तब तक आपको हर चीज कठिन लगता है। और हाँ, मेरा आवाज थोड़ा भारी भारी लग रहा है क्योंकि सर्दी सर्दी पूरा हो गया है, इसीलिए। और यहाँ देखिए, इसको घुमाते घुमाते पूरा ना घी छोड़ दिया, कढ़ाई चिकना हो गया था, लेकिन फिर भी सोचे थोड़ा सा और सुखा लेते हैं पानी को, और उसके बाद ट्रे में डाल दिए, चम्मच से खाली ऐसे फैला दिए थे तो तुरंत भर में जम गया। ये
इसको थोड़ा सा ड्राई किए थोड़ा ज़्यादा देर तक, क्योंकि गीला गीला अच्छा नहीं लगता है, और ड्राई हो गया तो तुरंत भर में जम गया, उसको काट दिए। और ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं डाले, क्योंकि हमको भी नहीं अच्छा लगता है कोई चीज़ ऊपर से, खीर हो सेवई हो, सेवई है तो उसमें हमको थोड़ा किशमिश ठीक लगेगा, बाकी कुछ नहीं अच्छा लगता। अब मेरे घर में किसी को भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं डाले, बस सिंपल। लेकिन फिर बना तो अच्छा बन गया, खाने में फिर टेस्टी हो गया। देखिए घी कैसे छोड़ दिया, चिकना चिकना हो गया कढ़ाई। और पोहा देख के बताइएगा कैसा लग रहा है, खिला खिला हुआ लग रहा है ना। दोनों प्लेट में निकाल दी, और हम तो सोचे नींबू डाल दे, तो नींबू तो एक प्लेट में डाले तो मना कर दिए, हमको नहीं देना। और इनको तो एक प्लेट दे दिए, उसमें भुजिया डाले नहीं थे, वही तो भुजिया निकाल के गए उनको देने के लिए, फिर इस प्लेट में डाले। तो हम लोगों का मतलब नाश्ता क्या लंच के बराबर हो गया था हैप्पी। फिर इसमें जो प्लेट में लिया उसी में से फिर अपना डॉगी को भेज दिया, इतना तो खाया थोड़े जाएगा। ये हो गया हम लोगों का ब्रेकफास्ट। और जो पोहा बनाया है उसका दिखाया नहीं, सिर्फ लास्ट में दिखाया कि पोहा बनाया है, क्योंकि एक दो बार और बनाए थे और सबको तो पोहा बनाना आता ही है, तो सिर्फ सिंघाड़ा काटा का जो हलवा बनाया बस उसी का रेसिपी शेयर किया। और तबीयत भी थोड़ा सा ढीला लग रहा है, थोड़ा सा ब्लॉग भी छोटा छोटा ही बना रहे हैं, फिर आएगा ब्लॉग अच्छा अच्छा, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक हो जाए और वैसे भी आएगा अच्छा। हेलो, तो सुबह के बाद अभी मिल रहा है, तो खाना पीना बर्तन सर्तन सब हो गया है, अभी कपड़ा मेरा रखा हुआ, कपड़ा समेटना बाकी है। और ब्लाउज उस दिन कटिंग किए थे वो भी सोचे सिल लेते, तो अभी तक तो सिए नहीं है। और इसको बना रहे थे, एक फिर शुरू किए, सोचे एक और बना लेते इस टेबल के लिए, है ना। आप लोग बताइएगा कैसा लगा था वो बना। एक और सोच रहे हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है इसको फिर बना लेते हैं, सिंदूर के बाद। और आज फिर बनाया लंच में दाल भात चोखा, सुबह में तो पोहा बना लिए थे और सिंघाड़ा कांटा रखा हुआ था, पहले तो सोचे सूजी का बनाए, तो सूजी का मेरे यहाँ किसी को नहीं उतना पसंद है, तो सोचे आटा का बना लेते हैं, आटा का हलवा। आटा का हलवा नहीं बनाया कि देखे कि नहीं सिंघाड़ा कांटा रखा हुआ तो फिर ज़्यादा दिन रहेगा तो खराब हो जाएगा, इसलिए उसको हलवा बना लिया। हलवा बना लिया और फिर हो गया पोहा, हो गया ज़बरदस्त नाश्ता, नाश्ता क्या खाना ही हो गया था। तो अभी हल्का सा दाल भात चोखा फिर उसी स्टाइल में बनाए, तो दाल भात चोखा हो गया अभी लंच में। तो अब तो 3 बज गया, 3:30 हो गया, तो वही बैठे बैठे बना रहे थे, सोचा आप लोग से थोड़ा सा बात कर लेते, कहीं हमको फोन से बात भी करना है, मिलते हैं फिर। तबीयत नहीं ठीक लगने के कारण मैं फिर भी रात में आया तो ब्लाउज में सब रेड का मार्क करके रखे, और फिर एक ब्लाउज ब्राउन वाला सिल लिया।